ठीक है नहीं। जब सुपरमैन का भी कास्टिंग कब अनाउंस होगा कब अनाउंस होगा कब अनाउंस होगा अनाउंस हुआ हो, ठीक है अच्छी बात है बढ़िया है पर आ, समझ रहे हो वो एक आ, क्या कहते हैं नहीं ये तुम्हें लग रहा किसी को ऐसा लग रहा है किसी को उस टाइम भी हम लोग बोल रहे थे कि भाई, मैं मैं कितनी बार बोला हूँ तुम लोग एग्री नहीं करते हो कि जेम्स गन ट्विटर पे बड़ी बड़ी बातें बोलकर निकल जाता है खाते जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था भाई ये मार्केटिंग हाँ। के से गलत है हाँ, हाँ कॉमिकॉन होने वाला है और वहाँ तो शायद वर्नरब्रदर्श जा भी रहे ब्रदर्स जा रहे हैं लेकिन कंफर्म नहीं है कि वो बोलते ना अपने पत्ते खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे अलावा बाकी था नहीं नहीं जैसे याद है के के लिए, फोर के लिए कैसे क्या प्रॉब्लम थी इनकी जो भी चीज मतलब मीटिंग हो रही थी डेड लाइन वाले जैसे की पीछे पड़े हुए थे अगर ये लोग अनाउंस नहीं भी करते तो वो लोग ने ऑलरेडी कन्फर्म कर दिया था इसके लिए उन लोग जेम्स गन ने बोल दिया की भाई लीक होने से पहले कंफर्म करके बता दू बाद में में शायद हो सकता है कॉन कौम वो लोग सेलिब्रेट करें इसको ये भी उनके यहाँ क्या बता कौन है जो सबको मतलब कास्टिंग, कास्टिंग सब अच्छी लगी है और अरे वो लोगन वाली लोगन वाली वीडियो डाली है ट्विटर पे लोगों ने जो सी से उतरता है ना हेनरी और वो डेविड को दिखाया

तो सब, थीके? थीके? तो सब लोग गलत समझ गए ठीक है वो स्विमिंग ये था समुद्र में था ठीक है ही इज ह्यूज तो सब लोग गलत समझ गए कि भाई सार्केज्म में मजाक उड़ा रहा है फिर सबने स्पेसिफिक रीजन पे ध्यान दिया बोलता है कि हवाई हाँ ही इज रियली ह्यूज अरे 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 बंदे लोग <laughs> साहब पर तो सही सुपरमैन के लिए पर पर वो कंसल्ट से ज्यादा तगड़ी बात तो वो रेशियल ब्रूस को जो लिया है भाई वो वो ज्यादा बड़ी बात चीज है मेरे हिसाब से क्योंकि डेविड कॉलेट को, को कहाँ कोई जानता उतना पर हाँ लुइस लेन के लिए तो उसको बहुत जानते हैं यार मतलब ज्यादा तकड़ी हाँ। बात वो है लग रही है तो सही बोला मैं ध्यान नहीं दिया डेविड हाँ, पे ही मैं देख फोकस था बोला इसमें अगर किसी का कटा है तो एमा मकी का और ये जब अनाउंसमेंट हुई थी ना तो इनकी जो टेस्ट स्क्रीनिंग होती ना वो दी जाती है तो इनके जो भी एजेंट होते है वो लीक कर देते ऐसा ऐसा काम हो रहा है उसके बाद स्टूडियो ऑफिशियली फिर से स्टूडियो में बुलाता है टेस्ट के लिए जिसके बाद जब इनका पैर बना था ना तो उस टेस्ट में चार लोग पास हुए थे अगले दिन फिर से इन चारों को बुलाया गया और पैर को बदला गया तो उससे बात लीक हो गई कि भाई कौन कौन से रोल के लिए खास ना ये एक्टर्स के लिए बहुत वो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है यार इस चीज का कि वो सिलेक्ट नहीं हुए और फिर पूरा जो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग चलती है कि ये जैसे निकोला सोल्ट और भी दो तीन पैर थे ना जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो तो भाई मेरे ख्याल से तो गलत क्योंकि के जब भी कास्टिंग होती है ना रूमर आते हैं कि हाँ ये ये लेकिन ऐसा नहीं आता कि ये ये पर्टिकुलर का ऑडिशन चल चल रहा है स्क्रीनिंग चल रही है स्क्रीनिंग रही ये सब नहीं आता है उनका आता है। तो भी आता आता है। एक 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 जने का नहीं आता अगर आता चार लोग तो किसका आया अभी जैसे इसका चल रहा है

तो उस, उसका भी आता आता आते रहती कोई आते, आते मतलब है, नहीं। रहता है आता रहता है हाँ लेकिन इसके पर नहीं आना चाहिए मैं तो ये कह रहा हूँ नहीं आना चाहिए गलत नहीं आना बहुत, गलत, गलत, बहुत गलत है अरे बहुत गलत है बहुत मतलब मेरे ख्याल से तो नेगेटिव प्रमोशन होता है इन लोगों का तुम वेबसाइट वाले और ट्विटर वालों का धंधा बंद करवाओगे और कुछ हाँ अबे YouTube चैनल का भी तो करवा दो मैं तो मतलब नहीं फिर मतलब? नहीं फिर तुम्हारा बोलना क्या मतलब नहीं स्कूप कास्ट बंद करवाओगे भाई तुम उस पे मेरी मेरी इमेजिनेशन और उतनी भी अच्छी नहीं है लेकिन जितनी हो सके ना मैं यूज कर सकूं लेकिन डेविड कॉरेंस को मैं ना हेनरी केवल से अच्छा सुपरमैन नहीं इमेजिन कर पा रहा हूँ मतलब मैं नेगेटिव वे में नहीं कह रहा कि वो नहीं बन सकता बन, 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 बन सकता ऑफ कोर्स वो, वो प्रेजेंट कर देगा जेम्स गन हो सकता है अच्छा प्रेजेंट कर दे लेकिन मैं मेरी तरफ से नहीं पॉइंट वही हो जाता है कि जब हेनरी कवलाया था सब बोल रहे थे क्रिस्टोफर रीप से ऊपर तो कोई आ ही नहीं सकता है

ये थोड़ी आ, उनके का मैं पता, पता, पता क्या कह रहा हूँ कि हेनरी कैलर ना सही में बार बहुत ज्यादा हाई सेट कर दिया डेविड कॉरेंस वाटा अगर डेरिन कॉरेंस को, वाला गलत हुआ ना भाई बहुत ब्लेंडर हो जाएगा बहुत बड़ा ब्लैंडर हो जाएगा हाँ, की शुरुआत में अगर वो अब पॉइंट पॉइंट वही पॉंट, पॉंट वही है कि भाई देखते हैं उसके बाद ही कमेंट कर सकते हैं क्योंकि क्योंकि भाई क्योंकि अगर जैसे रॉबर्ट के टाइम मतलब हम लोग कमेंट कर सकते हैं कैसे पर यार बंदे ने क्या प्रूव किया अपने आपको मानना पड़ेगा हाँ। मुझे लगता है कि तो जिन लोगों को बिल्कुल नहीं था ना वो लोग वही थे जिन्होंने सिर्फ टॉयलाइट ही देखी है उसकी और बाकी और मैं तो टॉयलाइट भी नहीं देखी अच्छा